तो अभी मैं इलाइजा को वो तो छोटा सासर, छोटा सही है ना। हाँ यहाँ घर का काम, ठीक है, टेन गाँव मिनट्स हो गए, मैं इसको वाइप आउट करती हूँ और देखते हैं रिजल्ट कैसा है। तो जी व्यूवर्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि फाइनल लुक आप लोग के सामने है। और हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने सोचा है कि जो फेशियल हम लोग लेकर आए थे, तो आज हम लोग उसको ट्राई करेंगे और आप लोग को उसका पूरा रिज़ल्ट भी दिखाएंगे। मैं हस्बैंड से कह रही हूँ कि ये भी मेरे साथ साथ ये अपने फेस पे फेशियल करें और मैं अपने फेस पे करूँगी। तो आप लोगों ने बताना है कि कैसा रिज़ल्ट आया है और किसके फेस पे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो अभी हम लोग पीने लगे हैं शाम की चाय, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी चाय रेडी हो गई है। उसके बाद मैंने खाना भी रेडी कर लिया है ताकि मुझे उसके बाद किचन में ना आना पड़े। क्या बनाया मैंने आज? बनाया है आलू की भुजिया और ये हमारा फेवरेट हलीम दूध, हम इसी से चाय बनाते हैं। तो आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखना है और पूरी ओए गिर गया ये गिर गया गिरा है गिरा है गिरा है। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, पूरा व्लॉग देखना है और आपने कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। हमारे स्नैक्स में क्या क्या आ गया है? ये बिस्किट है, सुपर बिस्किट। ये हमारी रेडी, ये कप मेरा है और ये हस्बैंड का है। और यहाँ हमारे पास आ गए हैं ये। तो अभी हम लोग चाय को करते हैं फिनिश और फिर करेंगी राजा की थोड़ी राजा को थोड़ी सी स्टडी करवाऊँगी, ठीक है ना। और फिर आप जाके तब तक बच्चों को भी करवा के आ जाइएगा, फिर हम लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे फिशिंग का। तो अभी हम लोग करते हैं अपनी शाम की चाय एंजॉय। आ जाओ राजा, चलो चाय पीते हैं और फिर मैं इसको स्टडी करवाती हूँ क्योंकि मैं डिनर से भी फ्री हो गए। अब हम लोग डिनर भी मेरा रेडी हो गया। रोटी आप आज प्लीज़ बाहर से लाएंगे क्योंकि अगर मैं फेशियल कर लूँगी फिर मैं रोटी नहीं पकाऊँगी, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग फेशियल स्टार्ट करेंगे, आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो हस्बैंड तो चले गए हैं भाई की बेटी को पढ़ाने के लिए। एक्चुअली वो थोड़ी सी वीक है, तो हस्बैंड ने मेरे टीचिंग की हुई है काफ़ी अरसे तक, वो टीचिंग करते रहे जैसे कि मैं करती थी। तो अभी वो उसको पढ़ाने के लिए गए हैं, उसको स्टडी करवाने के लिए गए और मैं करवाती हूँ इलाजों की स्टडी। और फिर उसके बाद हम जो हमारा आज का व्लॉग है फेशियल का वो करेंगे। तो राजा अपनी अपना बैग लेकर आ जाओ, काका बैग लेकर आओ, चलो एसी वाले रूम में आ जाओ। सॉरी, जो आज होमवर्क तो बहुत ज़्यादा है, बुक्स निकालो। मैं सासा सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे ना कवर भी चढ़ा दूँ उस पर, बुक्स पे पहले चढ़ाती हूँ फिर कॉपीज पे। और अपनी स्टडी निकालो, मतलब पूरा स्टडी, पूरा स्टडी बैग निकाल लो अपना। यूँ नहीं, अरे पार्ट वाला निकालो पहले, हेडिंग बाद में डालेंगे। पहले आप ऐसा करो, डायरी दिखाओ। डायरी हाँ पहले, हाँ पहले ये मोतिया वाला कर लो, ठीक है। किताब मोतिया शरारती नौ कॉपी में लिखें और धुलाई करें, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं, आप निकालो उर्दू की कॉपी निकालो। उर्दू की मैंने सारी निकाल दी, उर्दू, ठीक है। चलो अब आपने पेज निकालो नया, यहाँ पे आप डेट मेंशन करो, दिन मेंशन करो आज क्या है, और शरारती नौ हेडिंग डालो और फिर शरारती नौ लिखो। पहले डेट लिखनी है, मतलब आपने तारीख लिखनी है, उसके बाद आपने दिन लिखना है। तो अभी मैं इलाजा को सासर, हाँ यहाँ घर का काम, ठीक है, गाव और फिर काफ, काफ घर का काम। तो इलाजा को करवाती हूँ मैं सासर होमवर्क और मैं सासर इसके मैंने का साथ एक काम के साथ एक तीर के साथ दो निशाने, मैं इसकी शीट कवर कर चढ़ा देती हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। कोई बात नहीं, आप अपने काम से काम रखो, दूसरों को छोड़ दो। क्यों कार्टून में लोगों के हो रेडी होते हैं ना? कार्टून में लोगों के हो रेड होते हैं ना? ठीक है, ये मुझे ऐसे अजीब सा लगा। ये फेस पे नहीं करना था आपको, मैंने मेंशन किया था कि लंच बॉक्स में कलर करना है सिर्फ। सॉरी, आप उस पे क्यों कलर कर रहे हो? मैं ऐसे जॉब जाके वीडियो बंद करो। लहजा को भी सुला दिए
और हमने डिनर वगैरह भी कर लिया। अब काम आ गया हमारा फेशियल, जो कि हमने स्टार्ट में आपको बताया था कि हमने आज फेशियल करना। तभी मैं बनाती हूँ ब्लीच और फिर इसको अप्लाई करते फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इसकी ब्लीच क्रीम है। और कितने स्पून डालो इसमें? अपने हिसाब से देख लें। आपने भी करनी है? 4-5 इनफ है। मैं नेक पे नहीं करूँगी क्योंकि मेरे ना फिर वो एक डाल लूँ ये। अपने हिसाब से देख लें जितनी। ये तो चीनी लग रही है मुझे, ज़्यादा नहीं कुछ हो जाएगा? देखती हूँ ना, ये देखें। हाँ बस बहुत है ना। हाँ। चीनी लग रही है खाने? नहीं, टेस्ट करेंगे आगे बंद कर राम राम सत्य हो जाएगा। टेस्ट करके देखें यार। चलिए इसको मिक्स, क्या बोलने लगे? पहले तू ट्राई कर लेना। पिट्टू बदतमीजी नहीं करते वाइफ के साथ। इसका स्टिचिंग हो रही है मुझे ना फॉरहेड एरिया पे, तो मैं इसको जल्दी रिमूव कर दूँगी। अब ब्लीच मैंने अप्लाई कर ली है और इसको जब अगर आपको इचिंग ज़्यादा हो रही है तो आप लोग इसको जल्दी रिमूव कर दें। फिर इसके बाद मैं इसका बताती हूँ, मतलब रिव्यू देती हूँ कि ये कैसी है। भाई मुझे थोड़ी थोड़ी सी इचिंग हो रही है फॉरहेड एरिया पे, क्योंकि यहाँ से मेरी स्किन काफ़ी डैमेज हुई थी ना बिट्टू, तो इसीलिए। तो फिर मिलते हैं बाद में। 3 मिनट्स हो गए, मैं इसको वाइप आउट करती हूँ और देखते हैं रिजल्ट कैसा है। कैसा है रिजल्ट बेटा? मुझे तो सही नज़र नहीं आ रहा। रिजल्ट अच्छा है, मतलब कि ये अच्छी ब्लीच है, आप लोग यूज कीजिएगा जरूर। और मेरा फेस तकरीबन, मेरा फेस बहुत सेंसिटिव है कि मैं कोई भी ब्लीच यूज करूँ तो यहाँ पे रेड रेड पैचेस पड़ जाते थे ना, और आज देखिए कोई रेड पैचेस नहीं है इस पर। मतलब कि ब्लीच अच्छी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा तो इसके हैं 5 स्टेप, जो कि है फर्स्ट है क्लिंज़र, सेकंड है मसाज, लेकिन मैं मसाज सेकंड पे नहीं करूँगी। मैं फ़र्स्ट क्लिंज़र करूँगी और देन स्क्रब करूँगी, फिर स्किन पॉलिश, और फोर्थ पे मैं करूँगी मसाज और फिर लगाऊँगी मास्क। तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा अगर मैं स्टेप बाई स्टेप आपको दिखाऊँगी, इसलिए मैं बस थोड़ी थोड़ी सी वीडियो आप लोग के लिए डाल दूँगी। और मैं सिर्फ फेशियल स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको एंड में रिज़ल्ट मतलब प्रॉपर दिखाऊँगी। मैं एक क्लिंजर लिया मैंने इसका और इसको अप्लाई करती हूँ फेस पे, क्लिंज करती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ। क्लिंजर करके मैंने फेस वॉश कर लिया, बटू अच्छा सा शाइन नहीं आ रहा फेस पे। अब मैं करूँगी स्क्रब और फिर स्क्रब करके आपको दिखाते हैं। स्क्रब करने के बाद मैंने अभी क्या किया, स्किन पॉलिश अप्लाई की। इसको मैं 2-3 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद फिर या 2-3 मिनट के लिए इसका मसाज करके फिर इसको भी रिमूव करूँगी। डाले रह गए बस अभी लास्ट, ये सेकेंड लास्ट स्टेप है हमारा जो कि है मसाज। अभी स्किन पे मसाज करके इसको एडजस्ट करके फिर हम अप्लाई करेंगे मास्क। अभी हमारा आखिरी मतलब लास्ट स्टेप है जो कि है मास्क। मसाज भी मैंने कर लिया था और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मास्क और उसके बाद हम देखेंगे फाइनल रिजल्ट। तो जी व्यूवर्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि फाइनल लुक आप लोग के सामने है और बहुत अच्छी स्किन, टाइट टाइट सी स्किन लग रही है और बहुत क्लियर है। मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ये वाला फेशियल यूज़ करें, ये बहुत अच्छा है। और आपने वीडियो में कॉमेंट ज़रूर करना है और बताना है कि आपको फेशियल रिज़ल्ट कैसा लगा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।